पीएससी 19 में जब मतलब 18 का तो प्रीलिम्स ही मेरा क्लियर नहीं हुआ था, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं थी, तो 19 में मेरा सब क्लियर हो गया। 19 में मुझे ये कमी महसूस हुई मेंस में, मैंने जब अपना आरटीआई कॉपी निकाला तो मैंने देखा और दूसरे से कंपेयर किया, तो मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो जिनके बारे में मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता था, लेकिन कुछ बातें पता थी, लेकिन मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, पूरा नील छोड़ दिया था, उसके कारण मुझे 0-0 मार्क्स मिले। भाई अगर मैं कुछ भी उसमें थोड़ा सा लिखती उससे रिलेटेड, तो हो सकता था मुझे 0.5 या 1 या 2 नंबर मिलते, और ऐसा ऐसा करते बहुत ज़्यादा नंबर जुड़ जाता मेरा और मेरे रैंक में भी सुधार होता। तो वो चीज़ मैंने फिर बात की तैयारी में ध्यान रखा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस ना छोड़ूँ, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि तो ऐसा तो नहीं निगेटिव मार्किंग देगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को इस बार अटेम्प्ट किया, जितनी मतलब मुझे हाँ।